तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस तरह से रियलिस्टिक शेडिंग कर सकते हो। बहुत लोगों की ये दिक्कत आती है कि वो रियलिस्टिक स्केचिंग नहीं कर पाते, कहाँ पे शेडो है, लाइट एंड शेडो कैसे दिखाना है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसा करता हूँ। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, तो वीडियो को लास्ट तक जब देखना, और जिसको भी ये इस तरह से प्रॉब्लम होता है शेडिंग करने में वो वीडियो लास्ट तक ज़रूर वॉच करे। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जैसे कि मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ऐसा शेडिंग करने में, तो ये आप वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं इंस्ट्रक्शंस देता रहूँगा। ये रियल टाइम वीडियो तो नहीं है, मैं थोड़ा स्लो सिर्फ स्लो कर दिया है वीडियो को, मतलब फास्ट फॉरवर्ड से ही स्लो कर दिया है। तो बीच बीच में मैं इंस्ट्रक्शंस देता रहूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट स्टेप है शार्प करो। हमेशा जब भी पेंसिल शेडिंग करना हो तो अच्छे से पेंसिल को शार्प रखना, नहीं तो आपको मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं मिलेगा जो हमें ज़रूरत है शेडिंग करते वक्त स्मूथली। तो हमेशा ऐसा हमेशा अच्छा एक शार्पनर लेकर कर लेना। तो आपका यही है फर्स्ट स्टेप। तो गाइज ये है सबसे बड़ा ट्रिक पेंसिल शेडिंग के वक्त, आपको किस तरह ग्रैब करना है पेंसिल। जब आपको डार्क टोन चाहिए ना, जब आपको डार्क टोन चाहिए उस टाइम आप बहुत ही मतलब सामने की तरह ग्रैब करो पेंसिल को, जैसे मैं पकड़ा हूँ देख सकते हो। और हाँ, एक थोड़ा भी पेंसिल पे प्रेशर मत अप्लाई करना, जो उसका ट्रू वैल्यू है, मतलब इसीलिए तो ग्रेट पेंसिल बनाया हुआ है। तो अब देख रहे हो हमें थोड़ा सा और लाइट चाहिए, तो मैं और थोड़ा सा पीछे से ग्रैब कर रहा हूँ। तो इस तरह से जितना डार्क आपको चाहिए उतना डार्क, मतलब उतना सामने आप पकड़िए पेंसिल को, आपका काम हो जाएगा। तो अब आप देखो मैं इतना पीछे से ग्रैब कर रहा हूँ, और अब देखना कैसा हमें वैल्यू मिलता है। तीन में ही मैं एक ही प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका ट्रू वैल्यू आप अप्लाई करना, ठीक है। तो अब आप देखो, तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइज ये बहुत ही लाइट है। तो इसी तरह हमें ऐसे होल्ड करना है, जिस जैसा हमें डार्क चाहिए तो सामने पकड़ो और पीछे पकड़ो जब आपको लाइट चाहिए। ये सबसे बड़ा ट्रिक है जो आपको चाहिए। तो ये है स्टेप नंबर टू। तो गाइज अब मैं आपको इस स्केच का एग्जांपल लेकर बताता हूँ पूरा का पूरा कैसे मैं करता हूँ। पहले तो मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मैं 4B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं डार्क टोन दे दिया, और आँखों का नीचे जो डार्क पार्ट है उसको मैं 2B पेंसिल से किया, और फिर जो उससे भी हल्का है वह मैं HB से किया। तो ऐसे ही मैं लेयर बाय लेयर एक के ऊपर एक करके मैं शेडिंग करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो आईब्रोज में भी मैं 4B पेंसिल का यूज़ किया, और फिर जो उससे भी लाइट जो एक लाइन लाइन हो रहा है ना आँखों के ऊपर नीचे, वो मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह हमें लेयर बाय लेयर काम करना होता है। तो यहाँ पर मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे डार्क है दे दिया। अब मैं 2B पेंसिल से हल्का हल्का नीचे आँखों के नीचे जो पार्ट है वो कर दिया, और फिर अब मैं फिर से 4B पेंसिल का यूज़ करते हुए आईब्रोज दे रहा हूँ। तो इसी तरह आप भी ग्रेट पेंसिल का यूज़ करना। अगर आपके पास ग्रेट पेंसिल नहीं है
तो भी कोई बात नहीं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। आप नोटिस किए होंगे मैं इतना दिनों से सिंपल सा नटराज और अप्सरा प्लैटिनम का पेंसिल यूज़ कर रहा था, फिर भी रियलिस्टिक हो रहा था ना, तो इसी है हो रहा है। तो अब मैं नोज़ कर रहा हूँ। नोज़ के लिए तो पहले मैं लाइन जो है वो 2B पेंसिल से थोड़ा सा हल्का प्रेशर अप्लाई करके कर दिया, और फिर जो शेडो है उसे मैं पहला दे रहा हूँ 2B पेंसिल से फिर से, पर एक कुछ भी प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसी तरह हमें प्रेशर को चेंज करते हुए, पेंसिल चेंज करते हुए करना होता है। तो अब मैं मिडिल में जो हल्का सा शेडिंग है उसे मैं दे रहा हूँ और HB से। और हाँ, पूरे वीडियो में आप नोटिस करना कि मैं कैसे पेंसिल पकड़ रहा हूँ, देख सकते हो मैं बहुत पीछे से पकड़ रहा हूँ बिल्कुल। अब सामने देख सकते हो, नोटिस करो, मैं चेंज करता रहता हूँ ताकि जो प्रेशर है वो कम या ज़्यादा हो सके, मतलब प्रेशर नहीं जो टोन हमें लगेगा वो मिल सके। तो यहाँ पर मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ पूरा का पूरा। तो देख सकते हो स्मूथली एकदम यूनिफॉर्म मोशन में शेडिंग हो रहा है, इसीलिए मैं ऐसे पकड़ता हूँ। अब मैं कॉटन बड का यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए। तो कोई भी ब्लेंडिंग का टूल यूज़ कर सकते हो। तो ये करने के बाद मैं फिर से जो थोड़ा हल्का कॉन्ट्रास्ट है जो चला गया था ब्लेंडिंग के बाद, वो फिर से दे रहा हूँ मैं 2B पेंसिल के साथ। और फिर से जो छोटा छोटा डिटेलिंग है वो मैं दे रहा हूँ इधर से। फिर से 4-8 पे HB पेंसिल यूज़ किया और फिर एक बेस लेयर कर दिया। तो इसी तरह आप बेस लेयर कर देना एक पहले HB पेंसिल से, और फिर मैं कॉटन बट का यूज़ करके पूरा का पूरा ब्लेंड कर दिया। अब मैं 2B पेंसिल के सहारे जो शेडो पड़ रही है 4-8 पे, यहाँ राइट साइड पे, वो कर दिया और फिर ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड कर दिया उसको। और उसी तरह यह भी पूरा का पूरा फेस में मैं यही करता हूँ और यही करूँगा। तो पहले तो मैं HB पेंसिल से कर दिया और फिर अब 2B पेंसिल के सहारे जो शेडोज़ है वो दिखा रहा हूँ, और फिर बाद में मैं ब्लेंड कर दूँगा और फिर जो थोड़ा सा हल्का फुल्का डिटेलिंग है वो कर दूँगा। तो यही सिंपल सा टेक्निक है, आपको भी यूज़ करना है रियलिस्टिक करने के लिए। और हाँ, आउटलाइन भी करो प्रैक्टिस ताकि पूरा का अच्छा सा दिखे, रियलिस्टिक दिखे। तो यहाँ पे मैं फिर से डार्क करने के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये पहला जो डार्क पार्ट है लिप्स पे, वो मैं 4B पेंसिल से कर दिया। अब मैं 2B पेंसिल के सहारे जो बीच बीच पे शेडोज़ पड़ रही है या फिर जो शेडिंग है वो कर रहा हूँ। काफ़ी सिंपल है, आप भी कर सकते हो। पहले आप प्रैक्टिस कर लो, लाइन प्रैक्टिस करो और भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर आप डेफिनेटली पोर्ट्रेट रियलिस्टिक कर पाओगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं लिप्स में भी आसानी से कर दिया, फिर से मैं चीक्स पे भी फुल, मैं HB पेंसिल से देख सकते हो बहुत ही पीछे पकड़ा हुआ था पेंसिल, तो फिर से एक बेस लेयर कर दिया और फिर से अब मैं ब्लेंडिंग स्टंप के सहारे उसे पूरा ब्लेंड कर दिया। अब फिर से 2B पेंसिल का यूज़ करके मैं ये करूँगा। तो आप देख सकते हो सिर्फ 3 पेंसिल से फुल रियलिस्टिक आप कर सकते हो। और अगर आपके पास ग्रेट पेंसिल्स नहीं है तो आप कोई भी पेंसिल लेकर, सिर्फ एक बात होगी कि आपको प्रेशर कम ज़्यादा करना पड़ेगा एक ही पेंसिल का यूज़ करने से। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके जो शेडोज़ पड़ रही है ना चीक्स पे वो दे रहा हूँ। तो काफ़ी सिंपल टेक्निक है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो मैं चीक्स पे जो था वो मैं 2B पेंसिल से ही जो कम ज़्यादा करके उसे कर दिया, फिर से वो जो शेडोज़ किया उसे मैं ब्लेंड कर दिया। अब फिर से मैं 2B पेंसिल से फिर से एक लेयर दे रहा हूँ। तो लेयर बाय लेयर आप काम करो, आपको बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं जो चीक्स पे जो जो बीच में शेडोज़ गिर रहे हैं ना और डार्क, वो मैं कर दिया हूँ 4B पेंसिल के सहारे, और भी मैं डार्क करूँगा। फ़िलहाल तो मैं जो, हाँ आप देख सकते हो 4B पेंसिल से वो भी डार्क कर दिया, और जो मुंह पे नीचे वाला था वो भी मैं 4B पेंसिल से ही कर दिया। अब मैं फिर से वो ब्लेंड कर रहा हूँ। अब मैं हेयर्स के लिए फुल 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा।
ताकि थोड़ा डार्क टोन मिल सके, आपको स्ट्रोक्स लगाना होता है हेयर पे। वो मैं अलग से कोई वीडियो में बता दूंगा कैसे आप रियलिस्टिक हेयर कर सकते हो। हेयर पे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, मुझे भी पहले बहुत आता था। आपको स्ट्रोक्स बहुत ही मतलब उसी दिशा में लगाना होता है, कम ज़्यादा करके शाइन भी दिखाना पड़ता है। तो ये काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद मैं थोड़ा बहुत अच्छा कर ही लेता हूँ। मैं बाद में और भी अच्छे से किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको। तो फिलहाल तो देख सकते हो, मैं पहले तो सीज़वी पेंसिल से किया और फिर उसे ब्लेंड किया और बीच में जो शाइन है वो इरेजर से दे दिया। यही है, मैं बाद में और भी अच्छे से हेयर के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब मैंने ये लेक नेक के लिए ये 2B पेंसिल का यूज़ किया और फिर से कर दिया नेक का नीचे पार्ट, और फिर एक बेस लेयर कर रहा हूँ HB पेंसिल के साथ, उसे भी ब्लेंड कर दिया और फिर से एक जो लाइन दिख रही है थी ना उसे भी कर दिया, और फिर ऊपर का जो शेडो है वो दे रहा हूँ। तो ये सिंपल टेक्निक है, आप भी ट्राई करना घर पे। तो ये ईयर्स पे भी मैं सेम ही टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आप वीडियो को देखो, तो जैसे कि देख सकते हो बहुत ही रियलिस्टिक आप घर पे इजीली बना सकते हो। तो गाइस कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ यार लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और जिसको भी ये प्रॉब्लम होता है तो उनके साथ शेयर करना इस वीडियो को। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना अगर नहीं किया है तो, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ। कौन क्या मैं कर रहा हूँ मैं सब वहाँ पे बताता हूँ, मैं नया क्या स्टार्ट किया सब कुछ बताता हूँ। और किसी भी आपको ये आर्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, मैं आपको डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और भी जो यदि कुछ होगा डाउट्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके वहाँ पे भी बता सकते हो, मैं मुझे मैसेज करके मैं बता दूँगा। शेडिंग के वक्त ध्यान रखता, पहले तो आप अगर बिगिनर हो तो पहले तो आप लाइन प्रैक्टिस करो, अच्छे से लाइन प्रैक्टिस करो और फिर शेडिंग पे जाओ, और वो सब हो जाने के बाद आप सिंपल कोई स्क्वायर सर्कल ड्रॉ करके लाइट एंड शेडो प्रैक्टिस करो और फिर आप पोर्ट्रेट में आना, क्योंकि अगर वो ही नहीं क्लियर होगा तो पोर्ट्रेट आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'm